और दूसरे में चार सूत्र बढ़ा दिए, दो एक बारह, दो 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 इकतीस, दो दो अड़तीस, ये चार सूत्र अधिक बना दिए, तो 149 सूत्र थे दूसरी अध्याय में, तो उन्होंने 153 बना दिए, और तीसरे अध्याय में 182 सूत्र हैं और आचार्यों के मत में, तो इन्होंने एक सूत्र वहां भी बढ़ा दिया, 3, 2, 4, तो 545 सूत्र कुल जमा टोटल और आचार्यों के मत में है, इनके मत में 549 हो गए। इसलिए हम जो आप लोगों के आगे नंबर बोलते हैं, तो कहीं कहीं आप लोग उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो गड़बड़ में पड़ जाएंगे कि एक जगत गुरु ऐसा लिख रहा है, एक ऐसा, ये उपनिषदों में भी ऐसे ही है। जगदीश वगैरह जितने पुस्तक के छापने वाले हैं उनका नंबर अलग है, और एक श्रीराम हुए हैं, उन्होंने जो ग्रंथ प्रकाशित किया है उसके नंबर अलग कर दिए उन्होंने, इसलिए मतभेद हो गया थोड़ा थोड़ा। भागवत में नहीं, गीता में नहीं है, और पुराणों में भी नहीं है। तो मैंने वेदांत और वेद सबके द्वारा ये सिद्ध किया कि ये मैं नाम का जो जीव तत्व है, इसका भगवान से भेदाभेद संबंध है, यानी भेद भी है अभेद भी है। जो ऐसा दुराग्रह करते हैं कि नहीं अभेद ही है, तो वो जरा आंख खोल कर पढ़े वेदों को, कितना स्पष्ट लिखा है, सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथ्गात्मानम्, पृथक है तीसरा तत्व। और बार बार वेद कह रहा है त्रिविधम ब्रह्म में तत्व, तीन स्वरूप है। वेद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट दहर विद्या है, छांदोग्योपनिषद में 8:1:1 मंत्र है, अथ जदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशत् तस्मिन् जदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्। छांदोग्योपनिषद 8:1:1, एक ब्रह्मपुर है, जैसे हमारे संसार में होता है रामपुर है, इस शहर का नाम, ऐसे एक ब्रह्मपुर है, उसमें एक घर है, उस घर में एक आंगन है, उस आंगन में एक रहस्य है, उसको जानना है।